कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस अगर आप एक ही आसान काम कर लेते हैं तो आपके आपके हाथ से नहीं निकलेगा ये खास मौका। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व कार्तिक मास का है उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्व कार्तिक में पड़ने वाली पूर्णिमा का होता है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इस दिन आपने एक ये जरूरी काम कर लिया तो आपको लाभी होने का पूरा पूरा चांस है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में वैदिक पंचांग के अनुसार धार्मिक मास का विशेष महत्व है। यह पूरा महीना अति पावन बताया गया है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए यह महीना शास्त्रों में सर्वोच्च बताया गया है। इस पूरे महीने मंत्र जाप, स्नान, दान और ध्यान करने से विशेष फल मिलता है। कार्तिक महीने में सबसे ज्यादा महत्व स्नान का है, लेकिन इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से क्या लाभ मिलता है और क्या है इसका सही तरीका। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा में स्नान से क्या मिलता है लाभ। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और उनका निवास स्थान जल में ही था। इस मान्यता के अनुसार लोग कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने से अक्ष पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। यह साल का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस स्नान से कई फल प्राप्त होते हैं। यदि आप जीवन में परेशान चल रहे हैं तो इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। इस दिन स्नान करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को दोपहर 3:45 से शुरू होकर 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को 2:45 तक इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा के लिए उदयातिथि को ही महत्व दिया जाता है। इस लिहाजे से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है। फिर भी कुछ लोग 26 नवंबर 2023 दिन रविवार की संध्या को पूर्णिमा तिथि शुरू होने के बाद चंद्र उदय के समय भी स्नान करते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथ मत्स्य पुराण में यह उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। भगवान विष्णु ने अपना ही अवतार राक्षस हयग्रीव से चारों वेदों को स्वतंत्र कराने और उनका संहार करने के लिए लिया था। हयग्रीव ने एक बार चारों वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। इस कारण संसार का नियंत्रण बिगड़ने लगा था। तब जाकर भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। कार्तिक मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और नारायण का अर्थ होता है जल में निवास करते हों। इस मान्यता के आधार पर ही कार्तिक मास में स्नान करने की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। कार्तिक मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया जप और तप मोक्षदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को दोपहर 3:45 से शुरू होकर 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को 2:45 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया उदया तिथि को ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।